नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दिग्स एडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे, मैंने जो एक आरटीआई किया था आरआरबी कोलकाता को, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन आया है, ठीक है, और मैंने उसमें बोला गया था, जिसमें मैंने ये पूछा था आपको जितने भी फॉर्म फिलअप हुए हैं टोटल आरआरबीज में, उसका रिप्लाई देने के लिए। तो अभी जो है मुझे आरआरबी कोलकाता से एक रिप्लाई आया है, तो बाकी उसमें देख लेते क्या है। एंड रिगार्डिंग एग्ज़ाम डेट का भी मैंने पूछा था, तो चलो स्टार्ट करते वीडियो को। आप देख लेते क्या क्या दिया है मुझे आरटीआई रिप्लाई में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को क्लिक कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे पूरा प्रिपरेशन हो रहा है गाइस, भले वो करंट अफेयर्स को है, मैं 1500 करंट अफेयर्स दे रहा हूँ। उसके बाद डेली आपका जो है एमसीक्यू साइंस का अपडेट हो रहा है, मैथ्स रीजनिंग सब हो रहा है। तो ज़रूर चैनल को विजिट करके रखिए गाइस, और सब्सक्राइब करके रखिए, विजिट कीजिए डेली बेसिस में अगर आपका नोटिफिकेशन नहीं जाता है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते क्या है। तो देखो, ये मैंने आरटीआई किया था 26/3/2018 को। हाँ, उसका जो रिप्लाई देख रहे हो आप 27th को ही बना दिया था, लेकिन मेरे पास आया आज ही। तो आप देख सकते हो इसमें मैंने पूछा था दो क्वेश्चंस रिगार्डिंग आइटम नंबर 1 में। आप देख सकते हो यहाँ पे बता रहा है सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस 1/2008 फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी टेक्नीशियन एंड 2 मतलब ग्रुप डी, ये जो भी है लेवल 1 है 7CPC का। और द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एज सॉर्ट फॉर कैन नॉट बी फर्निश टिल द क्लोजिंग डेट ऑफ सेट नोटिफिकेशन। मतलब जो मैंने पूछा था भैया कितने कैंडिडेट जो है जोन वाइज अप्लाई किया है, तो वो अभी बता रहे 31 मार्च तक जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो मेरा यही कहना है, बहुत सारे चैनल देखोगे आप वीडियोस पे ऊपर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं जहाँ पे बता रहे भैया इधर से इतना किया, भैया उधर से उतना किया। तो आप देखो, ये तो प्रूफ ही देख पा रहे हो सभी जो बता रहे हैं, क्योंकि वही बता रहे भैया 31 मार्च से पहले हम लोग नहीं बता पाएंगे। तो उन यूट्यूबर्स के पास कहाँ से आ गया मुझे तो पता नहीं, तो जो भी है वो उनका काम है, लेकिन मेरा जो देना है मुझे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना है। तो मैंने ये आरटीआई किया था, तो उसका रिप्लाई भी मैं उसी लिए आपसे दिखा रहा हूँ। रिगार्डिंग मैंने पूछा था गाइज जो टेंटेटिव डेट ऑफ सीबीडी कब होगा, तो वो बता रहे थे कि टेंटेटिव डेट हैज़ बीन इंडिकेटेड इन द रेलिवेंट नोटिफिकेशन, मोर ओवर यू मे विजिट कोलकाता ऑफिशियल वेबसाइट फॉर सच इन्फॉर्मेशन। मतलब देखो, अभी भी जो इंडिकेटिव उसमें दिया हुआ था, इंडिकेटिव मतलब अप्रैल में बताया हुआ था, तो उसमें ही अभी बता रहे वही इंडिकेटिव है, अभी कोई जेन पक्का न्यूज़ नहीं है उनके पास। बट उन्होंने बताया जा रहा है आप वेबसाइट में विजिट करो, तो देखते हैं क्या होता है। और रिगार्डिंग दिस मैं इन्फॉर्मेशन फिर एक आरटीआई आज डाल दिया हूँ जितने जोन वाइज, तो उसका रिप्लाई आते ही मैं आपसे ज़रूर शेयर कर दूंगा। देखो कितना जोन वाइज कहाँ से अप्लाई किया नहीं हुआ, 1 करोड़ किया, 1.5 करोड़ किया, 2 करोड़ किया, उससे आपसे मतलब नहीं है गाइस। एक ही चीज़ है, आपको तो जॉब चाहिए एक पोस्ट की। तो अगर वैकेंसी एक है, भले वो लाखों करोड़ों जो है आपका कंपटीटर हो, आपको उसी तरह प्रिपेयर करना है सो दैट आप वो एक सीट जो है हासिल कर सको। तो पूरा प्रिपरेशन जोरों शोर से करो, भले मत देखो कहाँ से कितना एप्लीकेशन भरा गया, वो सब वीडियो देखा ही मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सिर्फ लग जाओ आपके प्रिपरेशन में। और सबसे बड़ी बात है, हम अपने चैनल में पूरा जो है प्रिपरेशन करा रहे हैं, आप ज़रूर चैनल को देखो। हम लोग वो सब नहीं देते जो अननेसेसरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी हार्डवर्क। आप हार्डवर्क करोगे तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम आप पहले अटेम्प्ट हो या आपका दूसरा तीसरा कुछ भी अटेम्प्ट हो, आप कितने दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो उसका मैटर नहीं करता। अगर आप 3 महीने भी अच्छा से पढ़ लोगे ना, अगर आपका 3 महीने का प्रिपरेशन भी रहेगा, तो ये एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो, ऐसा बड़ा टास्क नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है इसमें मैथ्स रीजनिंग है, और आपका जो है करेंट अफेयर्स मैक्सिमम पोर्शन है, एंड साइंस है, ठीक है। तो इसमें देखो, आप अगर अच्छा से करोगे तो सबसे बड़ी बात है क्या, आपका इंग्लिश नहीं है, एक सब्जेक्ट आपका कम हो गया, 1.5 घंटा आपका टाइम है, तो इस ग्रुप डी के लिए मैं बता रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, और इसमें आपको उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। तो प्रिपरेशन अच्छा से करो, मैथ्स रीजनिंग और जो भी मैं करा रहा हूँ बुक्स मैंने बहुत सारा बोल के रखा है, तो ज़रूर उसको फॉलो करो, डेफिनेटली आप जो है एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे। तो चलिए इसी के साथ, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर कर देना, और बने रहिए हमारे चैनल में पक्का न्यूज़ जेन्युइन न्यूज़, कोई र्यूमर्स नहीं उसके लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय।